गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे पार्ट फोर का अभ्यास। कल हम लोग पढ़े थे अकारांत शब्द, अकारांत शब्द में नपुंसक लिंग, और आज उसका हम लोग अभ्यास एक बार पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो कल पढ़े थे उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अकारांत नपुंसक शब्द और एंडिंग विथ अ, नपुंसक लिंग होगा लेकिन यहां अकारांत होगा। जो शब्द न पुल्लिंग होते हैं और न स्त्रीलिंग होते हैं वह नपुंसक लिंग कहलाते हैं। न वह मेल होता है न फीमेल होता है, इसलिए हम उसको न्यूट्रल जेंडर न पुल्लिंग होता है और न स्त्रीलिंग होता है, ऐसे शब्दों को हम नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे फल, फलम, न यह पुल्लिंग है और न यह स्त्रीलिंग है। इसमें कुछ अभ्यास दिया हुआ है, जैसे ख, निम्नलिखित पदों के अर्थ हिंदी में लिखे। क्या चीज में लिखना है? हिंदी में। जो होमवर्क के लिए ग्रीक आज के लिए दिए थे, अगर जो बना लिए हैं एक्शन कर लेंगे, नहीं जो बना है वह इसको बना लेंगे। एक में है चित्राणी, अनेक चित्र, यह आपका बहुवचन है। शाकाणी, यह भी बहुवचन है, अनेक सब्जियां। पुष्पे, द्विवचन है, दो फूल। चित्रम, एक वचन है, चित्र। नेत्रम, यह भी एक वचन है, और आंख। आप इधर से देखते हैं, वने द्विवचन है, दो जंगल। फलानी, अनेक फल, बहुवचन हो गया। वस्त्रे, द्विवचन है, दो कपड़े। पत्रे, द्विवचन है, दो पत्ते। अमरानी, क्या होगा? बहुवचन, इसलिए बहुत से पत्ते, अनेक पत्ते। एक वचन का एक पद होता है, द्विवचन में दो और बहुवचन में अनेक, बहुत से। यह आपका संस्कृत दिया हुआ था, हिंदी में अर्थ लिखना था। अब आपका है दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों के संस्कृत रूप लिखिए। हिंदी में आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और इसको संस्कृत में लिखना है। हम लोग इसमें देखेंगे यह कौन सा वचन में है, एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है, उसके अनुसार संस्कृत बनाएंगे। दो चित्र, द्विवचन हुआ, चित्रे। एक कमल, एक वचन है, कमलम। अनेक वस्त्र, वस्त्राणी, बहुवचन है। दो आंखें, द्विवचन है, नेत्रे। बहुत सी सब्जियां, बहुवचन है, शाकाणी। अब है क्वेश्चन नंबर दो, दो पुष्प, पुष्पे। अनेक वन, वनानी, बहुवचन हुआ। दो पहिए, द्विवचन हुआ, चक्रे। अनेक पत्ते, बहुवचन हुआ, पत्राणी। अनेक गेंद, बहुवचन हुआ, कंदुकाणी। एक वचन का एक वचन में, द्विवचन का द्विवचन और बहुवचन का बहुवचन, यानी अनेक, बहुत से। द्विवचन में दो का, एक में था हिंदी और दूसरे में संस्कृत, दोनों को फेयर कर लेना है, ठीक है। का अभ्यास का ग, ख पढ़ लिए, अब इसका ग, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। साकम, एक वचन हुआ, सब्जी। साके, द्विवचन हुआ, शाकाणी, बहुवचन। कंदुकम, गेंद,
एक वचन हुआ, कंदुके द्विवचन, कंदुकानी बहुवचन, मयूरा मयूर एक वचन हुआ, मयूरो द्विवचन हुआ और मयूरा बहुवचन हुआ। मयूरा बहुवचन। पत्रम एक वचन, पत्ता पत्रे पत्राणी, पुष्पम पुष्प फूल एक वचन हुआ, पुष्पे द्विवचन और पुष्पाणी बहुवचन हुआ। फलम फल एक वचन हुआ, फले द्विवचन और फलाणी बहुवचन। नेत्र आँख एक वचन हुआ, नेत्रे द्विवचन, नेत्राणी बहुवचन। आम्रम आम एक वचन, आम्रे द्विवचन, अम्राणी बहुवचन। चक्रम चक्का पहिया एक वचन, चक्रे द्विवचन और चक्राणी बहुवचन हुआ। जिसमें आपके बुक में दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, हमने इसमें एक वचन द्विवचन और बहुवचन तीनों को लिख दिए हैं, ताकि आपको सुविधा हो और तीनों को आपको याद कर लेना है। साथ ही साकम सब्जी, कंदुकम गेंद, मयूर मोर, पत्रम पत्ता, पुष्पम पुष्प, फलम फल, नेत्रम नेत्र, आम्रम आम और चक्रम पहिया, सबका एक वचन का हिंदी बता दिए। इसके अनुसार आपको उसमें आगे द्विवचन और बहुवचन का भी रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेना है। अब आपको होमवर्क में भी दिए थे, गृह कार्य के लिए चित्र भेजा गया था। चित्र में जो यह चित्र भेजा गया था, एक फलानी आपको दिया हुआ है, सेकंड में दो नंबर में आमरे, कितना है दो, तो क्या लिखेंगे आमरे। चित्र चित्रों की संख्या क्या है तीन, लिखेंगे चित्रम। चार नंबर में सब्जी, अनेक सब्जियां हैं इसलिए हम इसमें सकानी लिखेंगे। नेत्रम आंख, पांच नंबर में संख्या एक है इसलिए नेत्रम लिखेंगे। पहिया दो है, संख्या दो है, द्विवचन हुआ चक्रे। सात नंबर पुष्प फूल कितने हैं दो हैं इसलिए द्विवचन हुआ पुष्पे। गेंद बहुत से गेंद है, बहुवचन हुआ कंदुकानी। पुस्तक कितने हैं दो हैं पुस्तके। और कपड़े अनेक कपड़े हैं, बहुवचन हुआ वस्त्राणी। पत्ते कितने पत्ते हैं दो, द्विवचन हुआ पत्रे। और अंत में बारह है, कमल एक है इसलिए कमलम एक वचन हुआ। घर में है क्वेश्चन है कि चित्रों को ध्यान से देखिए और उदाहरण के अनुसार उनके नीचे उनका नाम लिखिए और रूप भी लिखना है। एक नंबर में बहुत से फल है, फलानी हो गया, बहुवचन हो गया। दो में दो आम है इसलिए आमरे हो गया। तीन में एक चित्र है, चित्रम हो गया, एक वचन है। चार में सकानी बहुवचन है, सब्जी बहुत से है, बहुवचन हो गया। पांच में आठ एक है, एक वचन हुआ। छह नंबर में पहिए दो है इसलिए चक्रे, द्विवचन हुआ। सात में दो पुष्प है, पुष्पे हो गया। आठ में अनेक गेंद है, कंदुकानी बहुवचन हो गया। नौ नंबर में दो पुस्तक है, पुस्तके द्विवचन। दस में अनेक वस्त्र है, वस्त्राणी बहुवचन। और ग्यारह नंबर में दो पत्ते हैं, पत्रे। बारह एक कमल है इसलिए एक वचन हुआ,
कमलम एक वचन। इसके बाद इसको आप लोग फेयर कर लेंगे, फेयर कॉपी में फेयर करके दिखाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।